हेलो सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे असम में बनने वाले वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड बिजनेस सिटी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, गुवाहाटी असम के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंडस्ट्रियल हब ही है, जिस वजह से ये शहर अपने पॉपुलेशन ग्रोथ और पोल्यूशन की समस्याओं से जूझ रहा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गुवाहाटी सिटी का एयर क्वालिटी दिल्ली और मुंबई से भी खराब है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक रिपोर्ट में गुवाहाटी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच में है, जिसे वेरी पुअर कैटेगरी में माना जाता है। दोस्तों इन्हीं समस्याओं को ओवरकम करने के लिए असम सरकार कई इनिशिएटिव ले रही है, जिससे इस शहर की लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को असम बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था असम के फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग के द्वारा। दोस्तों अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल सिटी होगा, जिसका नाम अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी है। अगर इस सिटी की एरिया की बात करें तो इसे नोगांव पेपर मिल के 550 और मोरीगांव जिले के जागीर रोड में 1000 एकड़ लैंड में तैयार किया जाएगा और इस टाउनशिप के लिए मास्टर प्लान इसी साल मार्च 31 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसे दो फेज में पूरा किया जाएगा, फेज वन को 2030 और फेज टू को 2035 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस सिटी को स्मार्ट के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज के तर्ज पर बनाया जाएगा। यह इंडस्ट्रीज के साथ न्यू एज रेसिडेंशियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा एंटरप्राइज एंड सर्विस हब यानी कि ESH को बढ़ावा मिलेगा और असम राज्य को ESH से लाभ होने की उम्मीद है और इस प्रोजेक्ट से राज्य में रोजगार की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे पूरी तरह से प्लानिंग करके बनाया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की फैसिलिटीज की बात करें तो इस शहर को लगभग गुजरात के ढोलेरा के तर्ज पर बनाया जाएगा, जहां इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन के साथ अलग से रेसिडेंशियल और कमर्शियल जोन भी होगा, जिसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ इको फ्रेंडली और जीरो एमिशन बेस्ड ग्रीन सिस्टम्स और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास के रूप में बनाया जाएगा। अन्य सुविधाओं की बात करें तो यहाँ वर्ल्ड क्लास रोड के साथ साइकिलिंग ट्रैक और फुटपाथ भी होगा, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में आसानी होगी। यहाँ इलेक्ट्रिक केबल के साथ वाटर पाइपलाइन, वाटर सीवेज सिस्टम सब कुछ अंडरग्राउंड होगा। यहाँ नए इंडस्ट्रीज के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा होगी, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम होगा। इस शहर को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का काम इसी साल शुरू कर दिया जाएगा। यह शहर पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड सिटी होगा। इस शहर के बनने के बाद गुवाहाटी शहर को कई समस्याओं से राहत मिलेगी और असम में रहने वालों की लाइफस्टाइल और रोजगार दोनों बेहतर होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।